So in the previous video we have done from where the narrator thought that he has to repair the starboard as a lot of water was coming from there as it was broken. Otherwise, if it would not be repaired, their whole life is at danger. So till there we have done the explanation. Now I will start reading further. Let's start. Somehow I managed to stress the canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. Deflected means turn aside. Okay? So this means that the narrator stretched the canvas cloth and secured the waterproof hatch with which covered the gaping holes. मतलब gaping holes मतलब जो बड़े हो गए थे holes उसके अंदर, जो बहुत बड़े holes की वजह से जो problem आ रही थी ship के चलने में, तो उसने canvas के जो cloth को stretch किया और उसको waterproof hatch के साथ secure कर दिया, जिससे कि जितने भी जो बड़े बड़े holes हैं वो cover हो जाएं. ठीक है. सम वाटर स्ट्रीम्ड बिलो एंड सम वॉज नाउ डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. तो कुछ तो नीचे से आ ही रहा था पानी और कुछ वापस चला गया था, डिफ्लेक्ट हो गया था, टकरा कर डिफ्लेक्ट हो गया था. ठीक है. इट वॉज टर्न्ड असाइड. लेट्स रीड फर्दर. मोर प्रॉब्लम्स रोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट. कैनवास मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अनब्लीच्ड क्लोथ. ठीक है. डेब्रिस मीन्स रबिश. ओके. डेब्रिस मतलब जो कूड़ा कचरा जो पानी के साथ जो आ गया था, जो रबिश साथ में आ गया था. दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके. लेट्स रीड फर्दर. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हैंड पंप्स had been wrenched. Wrench means removed overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. So dinghies means a small boat for recreation with mast or sail. And forestay का मतलब होता है rope to support ship's foremast. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ship में. There are many technical words in this story as well, like foremast, deck, boom. There are many things, right? So foremast भी एक type के ship का part होता है, जिसको support करने के लिए हमें rope चाहिए होती है. ठीक है. दिस दैट एंड दैट रोप इज नोन एज forestay. forestay. ओके. सो दिस मीन्स दैट देयर वर प्रॉब्लम्स एंड दे वर ट्राइंग टू फिक्स इट. बट वो धीरे पर जितनी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. जो हैंडपम्प था वो ब्लॉक हो गया था. एज ऑल द ट्रैश एंड रबिश वॉज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड एंटर्ड इट. सो जो हैंडपम्प था वो जो जितना कूड़ा कचरा था वो पानी के साथ आ गया था शिप में, तो उसकी वजह से जो हैंडपम्प ब्लॉक हो गया था. ठीक है. उस कूड़े कचड़े की वजह से. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट. दैट इज़ द रीज़न द इलेक्ट्रिक पंप गॉट शॉर्ट सर्किट. एज द वाटर लेवल रोज द नरेटर फाउंड टू हैंड पंप्स हैज़ बीन रिमूव्ड अलॉन्ग विद रोप जिप अ स्मॉल बोट एंड द मेन एंकर. He found electric pump under the chart room. He connected it at out pipe and started working. So what happened? जब उसने देखा कि anchor एक क्या कहते हैं जो दो pumps हैं वो already remove हो चुके हैं वहाँ से. ठीक है. Maybe there is a need of pumps, lot of pumps in the ship. ठीक है. ड्यू टू एनी टेक्निकल रीज़न. सो जो दो पम्प्स थे वो ऑलरेडी रिमूव हो चुके थे और अलॉन्ग विद दोस पम्प्स जो रोप थी, स्मॉल बोट थी जिससे बंधी हुई थी और जो उसका मेन एंकर था वो सब कुछ जा चुका था. इट ऑल वॉज रिमूव्ड. देन उस क्या हुआ, देन ही फाइंड इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम. चार्ट रूम के नीचे उसको एक इलेक्ट्रिक पम्प दिख गया जिसको ही कनेक्टेड इट एंड इट स्टार्टेड वर्किंग. ओके. लेट्स रीड फर्दर.
Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. So, what happened? There was an electric pump. जो उसको याद आया कि चार्ट रूम के फ्लोर के नीचे रखा हुआ है और सडनली जब उसने कनेक्ट किया वो तो वो काम करने लगा. इट स्टार्टेड वर्किंग. ओके, लेट्स रीड फर्दर. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. वी वर getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. Mayday calls matlab hota hai words used to signal ships stuck in a disastrous situation through radios. To aapne suna hoga jaise ships jo hoti hain jab kahin pe phas jati hain, kisi disastrous situations mein phas jati hain, to wo jo ships hoti hain wo radio ke through ek dusre se कनेक्ट कर पाती हैं जिससे कि जो लोग हैं वो जाकर उन शिप्स को बचा पाएँ. ठीक है, सो दैट इज़ अ मेडे कॉल. ओके, सो दे आर सेइंग दैट द होल नाउ नाइट वाज अबाउट द एंडलेस रूटीन ऑफ पंपिंग आउट द वाटर स्टीयरिंग द व्हील एंड वर्किंग द रेडियो. तो जितना भी पूरी जो रात थी वो सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों में निकल गई, या तो वाटर बाहर निकालने में पंपिंग आउट द वाटर, और व्हील को संभालने में स्टीयरिंग द व्हील, और वर्किंग ऑन द रेडियो. क्योंकि रेडियो इस रिमोट एरिया में, इस सुनसान जगह में, इस वर्ल्ड के एक छोटे से कॉर्नर में एक सुनसान जगह में उनकी शिप फंसी हुई थी और वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे जिससे कि दे वर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट. सो दे वर ऑल नाइट दे वर वर्किंग ऑन ऑल दीज थ्री थिंग्स. Still, there was no reply to their signal they have sent over the radio as they were in the remotest part of the world. Remotest part of the world means world के एक छोटे से corner में सबसे सुनसान जगह पर वो लोग फंसे हुए थे. तो basically radio उनकी एक hope थी, but वो work कर जाए that will be a miracle, because इतने सुनसान जगह पर वो लोग फंसे हुए थे, there will be no signals, it was obvious, right? Let's read further. Sue's head has swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arms. When I asked why didn't she made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. Let's read further. Okay, so what this means? This means that Sue, unki beti Suzanne, she had now more swollen and she had two back eyes with a deep cut in her arms. So kya hua ki jo Suzanne thi uske aur bhi jagah chot lagi hui thi, jaise ki uska jo head tha wo aur zyada swollen ho gaya tha, uski eyes black ho gayi thi aur uski ek cut bhi tha, uske deep cut tha uske arms mein. When upon being asked why she didn't tell him about her injuries earlier, तब जब पहले उससे ये चीज़ पूछी गई कि उसने पहले क्यों नहीं बताया इन इंजरीज के बारे में, so what she replied, she said she didn't want to worry him. वो उनको टेंशन नहीं देना चाहती थी as he was trying to save all of them. As उनका जो मेन मोटिव था वो उनको सबको बचाना ही था, दैट इज़ द रीज़न उन्हें ये सब छोटी छोटी बातों पर वो उन्हें वरी नहीं करना चाहती थी. ओके, लेट्स रीड फर्दर. By morning on January 13, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours set in rotation, but we still had a tremendous leaked somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to a keel. In fact there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. So what happened now? So keel ka matlab yahan par hota hai steel structure along with the base of the ship. To
जो शिप का बेस होता है उसके साथ एक स्टील का स्ट्रक्चर भी लगा होता है, उसको हम बोलते हैं कील, KEEL, एंड स्मैश्ड मीन्स बैडली ब्रोकन. सो दिस पैराग्राफ मीन्स दैट द वाटर लेवल वॉज अंडर कंट्रोल बाय मॉर्निंग ऑन January 3. तो जनवरी 3 के मॉर्निंग तक जो वाटर लेवल था वो तो अंडर कंट्रोल हो गया था. सो ऑल ऑफ देम टुक 2 hours रेस्ट एंड रोटेशन. सो रोटेशन मतलब एक एक कर सब ने दो दो घंटे का रेस्ट लिया, क्योंकि दे वर वर्किंग ऑल नाइट ऑल दीज डेज, सो दे नीड रेस्ट. सो एक एक करके सब ने 2 hours का रेस्ट लिया बिकॉज द थिंग्स वर अंडर कंट्रोल. बट देर स्टिल वॉज अ लीकिंग समवेयर अंडर द वाटर लाइन. पर वाटर लाइन के नीचे कहीं ना कहीं लीकिंग थी, क्योंकि पानी आ रहा था अभी भी कंटिन्यूसली. अपॉन चेकिंग द बोट रिप स्ट्रक्चर हैड बैडली ब्रोकन टिल द बेस ऑफ द शिप. सो जब चेक किया गया कि कहाँ से पानी आ रहा है, तो जो बोट का स्ट्रक्चर था उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बेस तक पूरा टूटा हुआ था. द होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड वॉज हेल्ड टुगेदर विद अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस. सो जो स्टारबोर्ड का जो सेक्शन था वो सिर्फ कुछ चीज़ों से बस जुड़ा हुआ था, अदरवाइज वो भी टूटा हुआ था. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east of one of them. Isle Amsterdam was French scientific base. Our only hope was to reach the pinpricks in the vast ocean. Pinpricks in the vast ocean means the 2 small islands in the vast ocean where वेरी टाइनी लाइक द प्रिक्स यूज बाय अ पिन कॉज्ड बाय अ पिन. मतलब कि जब आप पिन आप अगर चुबाते हो, प्रिक करना मतलब होता है चुबाना. ठीक है, तो जब आप पिन चुबाते हो तो आपको कितनी ज़रा सी चोट लगती है, कितना ज़रा सा होल होता है, वैसे ही वो 2 islands इतने बड़े आइलैंड्स में थे, उसी के बराबर इतने छोटे आइलैंड्स. सो उनकी होप क्या थी कि बस वो उन छोटे आइलैंड्स में जो प्रिक आइलैंड्स थे, मतलब पिन की चोट से बराबर के जो आइलैंड्स थे वहाँ पहुँच जाएं, अगर उन्हें अपनी लाइफ सेव करनी है तो. लेट्स रीड फर्दर. बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड. अबेटेड मीन्स समथिंग अनप्लेजेंट टू बिकम लेस इंटेंस. ठीक है, समथिंग अनप्लेजेंट. वी कुड होइस्ट सेल. Our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. Auxiliary engine matlab small secondary engine used to board ships to operate the windlass in the ships. Matlab ek engine to hota hi hoga, jo secondary engine hota hai, jo ek alternative engine hota hai, jo waise bhi ship ke andar rakha jata hai aisi difficult situations mein operate karne ke liye, wo kharab ho gaya tha. ठीक है, सो दिस पैराग्राफ इन होल मीन्स दैट द कंडीशन ऑफ द शिप वॉज सो बैड दैट इट वुड नॉट मेक इट टिल ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा दूर था, तो ये इतनी ख़राब कंडीशन ऑफ द शिप में वो लोग ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच सकते थे, ये उनको पता था. सो द नरेटर चेक द चार्ट्स. तो उन्होंने चार्ट्स और चेक करे, कैलकुलेट किया कि अगर यहाँ पे कुछ फ्यू किलोमीटर्स में कुछ है जहाँ पे वो लोग एक स्टे ले सकते हैं. So he found that there are 2 islands, ठीक है, to the east. One of them was Isle Amsterdam, उसका नाम था, which was a French scientific base. तो French का scientific base था जहाँ पर वो अपने science experiments करते थे, French, France के लोग. तो वो एक island था Amsterdam करके. Their only hope was to search and reach that island. उनका only hope यही था कि वो search करके वो island पहुँच जाए if they want to save their life. But only if the wind and the sea do not cause further damage, else their chances were slim. So, but ये सिर्फ तभी possible था अगर sea और wind भी उनकी help करें, sea और wind जो हैं उनके ये further damage ना पहुँचाएँ, but उनके chances slim थे. That means their chances were very less.
द वेव्स हैड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑक्सिलरी इंजन, जो उनका सेकेंडरी इंजन था जो एक ऑल्टरनेटिव के लिए रखा गया था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था. ओके लेट्स रीड फर्दर. ओके ऑन जनवरी 4th आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल अप द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट. रिगिंग का मतलब होता है द रोप्स एंड द वायर्स सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द शिप. जो रोप्स और वायर्स सपोर्ट करते हैं शिप के स्ट्रक्चर को उसको हम रिगिंग बोलते हैं. सो द प्रेशर ऑन द रिगिंग, द प्रेशर ऑन द रोप्स एंड द वायर्स वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट. हल द इज द फ्रेमवर्क, जो शिप का फ्रेमवर्क है पूरा. सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट the two islands were. Mary would found some cornered beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. So उन्होंने 2 दिनों में एक पहली मील खाई थी. ओके सो दिस पैराग्राफ मीन्स दैट आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 आवर्स हो चुके थे उन्हें पानी बाहर निकालते हुए कंटिन्यूसली. ऑन जनवरी 4th जनवरी आ चुका था. द वॉटर वॉज ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स लेफ्ट टू बी पम्प आउट. कुछ सेंटीमीटर वाटर ही बचा था जो उन्हें बाहर निकालना था अब. ठीक है बट दे स्टिल हैड टू पम्प आउट द वॉटर विच वॉज कमिंग इन. बट स्टिल वाटर आ रहा था कहीं से लीकेज हो रही थी और उन्हें वो भी पानी बाहर निकालना था. दे कुड नॉट सेट सेल ऑन द मेन मास्ट. वो सेल भी नहीं लगा सकते थे मेन मास्ट पे जिससे कि आगे कहीं कुछ जल्दी जल्दी बढ़े, क्योंकि दैट वाज नॉट पॉसिबल. सब कुछ ख़राब हो चुका था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था. दे होइस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड सेल टुवर्ड्स द टू स्मॉल आइलैंड्स. नाउ दे स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द टू स्मॉल आइलैंड्स जो उन्होंने चार्ट में देखे थे और कैलकुलेट करके निकाला था. दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days. उन्होंने अपनी पहली मील खाई थी 2 दिनों में. कुछ कॉर्न्ड बीफ पड़ी हुई थी और कुछ क्रैकर बिस्किट थे जो मैरी, जो नरेटर की वाइफ है, उनको कहीं से मिले थे. दैट इज़ द रीज़न दे एट दैट. ओके लेट्स रीड फर्दर. बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. रिस्पाइट मीन्स द रेस्ट, शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट जो उन्होंने लिया था वो बहुत ही छोटा था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अस बिहाइंड अस. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher. The weather continued to deteriorate. Deteriorate means get worse or zyada kharab ho jana. Throughout the night and by dawn on 5th January, our situation was again desperate. Desperate means aur zyada kharab ho gayi, worse ho gayi. So what happened? Jo unka rest tha, wo bahut hi short lived tha. Matlab bahut hi kam time ke liye they were able to take rest as 4 p.m. के आसपास देयर वर अगेन ब्लैक क्लाउड्स. द विंड वॉज नाउ 40 knots. मतलब जो विंड थी अब वो 40 knots की स्पीड पे चल रही थी. नॉट्स इज द यूनिट. एंड सी वॉज गेटिंग हायर. और सी तेजी तेजी से उसकी जो वेव्स थी वो बढ़ती जा रही थी, ऊपर आती जा रही थी. द वेदर गॉट वर्स. फिर से वेदर ख़राब हो गया. एंड बाय अर्ली मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5th द सिचुएशन वॉज बैड. और जैसी जैसी 5th जनवरी की मॉर्निंग आई वैसी वैसी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई. ओके लेट्स रीड फर्दर. व्हेन आई वेंट इन टू कंफर द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई. आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट बट डैडी ही वेंट ऑन. ही वरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर, यू एंड मामी स्यू एंड आई. सो वॉट ही सेट, जब नरेटर अपने बच्चों के पास गया, ही वेंट टू कम्फर्ट हिज चिल्ड्रन, हिज सन आस्ट, जिसका सन था, जिसका बेटा था, ही आस्ट हिम वेदर दे वर गोइंग टू डाई, कि क्या हम मरने वाले हैं. देन द नरेटर ट्राई टू एश्योर हिम दैट ही वुड मेक इट.
ही ट्राई टू एश्योर कि हम लोग इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल जाएंगे, डोंट वरी. बट हिज सन रिप्लाइड दैट ही वर नॉट अफ्रेड टू डाई टिल दे ऑल वर टुगेदर. सो ही सेड कि वो मरने से नहीं डर रहा है जब तक वो सब लोग साथ में हैं. कौन कौन साथ में? हिज मदर मैरी, हिज फादर द नरेटर, हिज सिस्टर स्वी एंड ही हिमसेल्फ. ओके, नाउ दिस फिल्ड द नरेटर विद डिटर्मिनेशन टू फाइट बैक. अब जो ये चीज़ थी, इस वजह से उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ गई, एनकरेजमेंट आ गया, मोटिवेशन आ गई कि उसको इससे बाहर निकलना है. ही हैज़ टू फाइट बैक टू दिस डिफिकल्ट सिचुएशन. राइट, लेट्स रीड फर्दर. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड बट आई फेल्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड. आई डिसाइडेड टू हीव. हीव मीन्स टू लिफ्ट विद एफर्ट. ठीक है, किसी चीज़ को बहुत एफर्ट से उठाना. विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्पॉविश्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 liters प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. पैराफिन इज कलरलेस फ्लेमेबल ऑयल लिक्विड. कोई लिक्विड जिस जो कलरलेस होता है. ठीक है, ओके. व्हाट दिस मीन्स? This means that the narrator was filled with determination to fight back. He made efforts to protect the weakened starboard. Now he got the determination कि कुछ भी हो जाए उसे सबको बचाना ही बचाना है. उसको motivation मिल गई अपने son के words से. So उसने क्या सबसे पहले क्या करना start किया? उसने बहुत ज़्यादा efforts लगाए to protect the weakened starboard side. स्टारबोर्ड की जो साइड थी वो वीकन हो चुकी थी, वो पहले भी रिपेयर कर चुका था इसको, तो उसको फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए जिससे कि और ज़्यादा पानी ना आए, उसने सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट किया. ही यूज एन इम्पॉविश्ड सी एंकर मेड ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 liter प्लास्टिक बैरल्स ऑफ केरोसिन. सो उसने क्या किया? उसने एक एंकर लिया, सी एंकर. ठीक है, और उस वो किससे बना हुआ था? हैवी नायलॉन मेटल से बना हुआ था. एक रोप थी जो 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ केरोसिन थी जिसमें. ठीक है, द सेम इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ सैल्ट होल्डिंग हैंड्स एंड दे बिलीव दैट देयर एंड वाज नियर. सो व्हाट हैपेंड नाउ? लेट्स रीड फर्दर. फर्स्ट, दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप हैज ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू वॉज ब्रोकन प्लैंक्स. प्लैंक्स होते हैं वुड के जो बड़े बड़े, आप क्या बोलते हो उसको, वुड होता है, बड़े बड़े लंबे लंबे वुड्स होते हैं जो कटे हुए होते हैं एक लॉग्स के टाइप में, उसको हम प्लैंक्स बोलते हैं. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. वी बोथ फेल द एंड वॉज नियर. सो वॉट हैपेंड? उसी इवनिंग की बात है जब दोनों, द नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी, दे वर होल्डिंग हैंड्स एंड सिटिंग टुगेदर एंड दे बिलीव्ड कि उनका एंड नियर है, मतलब वो जल्दी ही मरने वाले हैं. द एंड वॉज नियर. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द चैप्टर. आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.